वाराणसी से बजरंग बली तिवारी की खास रिपोर्ट। समरसता सहभोज कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे अमरीश सिंह भोला। पत्रकार बजरंग बली तिवारी व अतुल राय को मंच पर सम्मानित करते हुए महेश यादव वाराणसी में अशोक विहार स्थित जय बजरंग व्यायामशाला के प्रांगण में जात पात भेदभाव मिटाने हेतु हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा सामाजिक समरसता सहभोज का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अम्बरीश सिंह भोला रहे। कार्यक्रम का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य सभी लोगों को एक साथ रहते हुए समाज में बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रयासरत किया जा रहा है। लोग एकजुट होकर समाज में निरंतर कार्य करें व आवश्यक पड़ने पर एक दूसरे की अवश्य मदद करें, चाहे वह किसी भी धर्म व जात का हो। जाति व धर्म को लेकर अगर आगे बढ़ा जाए तो विकास संभव नहीं है, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिससे लोग जाति और धर्म की बात न करते हुए भाईचारा अपनाए व आपस में मिलजुल कर रहे। उक्त कार्यक्रम के अवसर पर अमरीश सिंह भोला के साथ विशाल जायसवाल, बादल आर्य, राजकुमार जायसवाल, अनूप सेठ, सागर सेठ, चंद्रमणि शाह, गोविंद केसरी, आकाश गुप्ता, सत्यम सिंह, सत्यम मोदनवाल, जयप्रकाश, अजय सिंह, पीयूष पाठक, शनि गुप्ता, ओम प्रकाश जायसवाल, महेश यादव व कई क्षेत्रीय लोग कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। गुरु गोरख नाथ पंडित को भी बहुत बहुत बधाई, पंडित चंद्रशेखर आजाद पंडित को भी बहुत बहुत बधाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मंडल को भी बहुत बहुत बधाई, सरदार उधम सिंह मंडल को भी बहुत बहुत बधाई, महावीर मंडल को भी बहुत बहुत बधाई, मुंशी प्रेमचंद मंडल को बहुत बहुत बधाई, महाराजा सुनील मंडल को बहुत बहुत बधाई, हेमंत कल्याण मंडल को बहुत बहुत बधाई, गरीब ना हो, कोई नंगा ना हो, ये राम राज्य जिसमें सबके घर में अन्न भरा हो, सब स्वस्थ रहे, सब धन धान से भले फूले, ऐसा राम राज्य की कल्पना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ये काम केवल केसरिया ध्वज के नेतृत्व में ही हो सकता है। केसरिया ध्वज किसी को पाटता नहीं, ये हिंदू समाज का ध्वज केसरिया बलिदान मानता है, इसीलिए हिंदू वाहिनी के लोगों में लिखा हुआ है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम तीन चार रहे नार। अब कौन हिंदू उस बलिदानी चर्चे में तैयार होना चाहता है, उस बलिदानी चर्चे का हिस्सा बनना चाहता है, ये देखना है। समाज के लिए त्याग कितना कर सकता है, ऐसा कार्यकर्ता ही हिंदू आवाणी का कार्यकर्ता हो सकता है। हम हिंदू आवाणी के कार्यकर्ता होने के अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। अन्य कार्यकर्ताओं के, अन्य दलों के कार्यकर्ताओं से, अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं से हट के हमारा काम है। हम योगी जी की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। देश को एक दिशा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मिल रहा है। यह हमारी एकता न होने का ही प्रतीक है। आजादी की लड़ाई या आजादी की कीमत हमें विभाजन से देना पड़ा है, और विभाजन से देने के बाद भी आज हिंदू समाज अपना एक राष्ट्र नहीं रख सकता, का एक राष्ट्र नहीं बना सकता। अगर विश्व के नक्शे पर हम देखें तो तमाम इस्लामिक राज्य है, इस्लामिक राष्ट्र है, ईसाई राष्ट्र है, यहूदी राष्ट्र है, क्या एक हिंदू राष्ट्र है?
क्या हिंदुओं का अपना राष्ट्र घोषणा नहीं।